देखिए गुंडा बैंक के तहत ही, मतलब एक गुंडा बैंक से ही छवि को खराब करने की कोशिश की गई कि मैं गुंडा बैंक चलाता हूं और इस तरह की बातें पहले आई अखबार में। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपके ऐसे प्रयासों से यदि कहीं हमारे व्यापार करने के तरीके में थोड़ी त्रुटि रह गई है तो उसको हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। हम लोग को बचपन में हम लोग होमवर्क नहीं बनाते, टीचर मारता था, तो इसका मतलब दुश्मन थोड़ी है टीचर मेरा। अगर टीचर मारा तो हम तरीका जो है और बेहतर तरीके से अपने आप को निखार पाए, कुछ बेहतर कर पाए। पहले भी 2006 के अराउंड हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स का, 6 या 7 में हमारे यहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ था। तो उस टाइम पर जब कंपनी आई थी, एजेंसियाँ आई थी, तब हमारे यहाँ लाखों की बात हो रही थी। आज एजेंसी आई तो करोड़ की बात हो रही है। हम चाहते हैं कि फिर 5, 7, 10 साल के बाद जो है एजेंसी आए तो अरब की बात हो। तो ये तो अच्छी बात है कि हर बार एजेंसी आती है तो आपको कुछ बेहतर बताकर जाती है, सिखाकर जाती है, तरीका बताती है। सारे जगहों के कल से बाकायदा बाकी दिनों की तरह खुलेंगे, कल से वापस क्षेत्र में उसी तरह लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के बीच काम करते रहेंगे। ये क्या हो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। गुंडा बैंक की शिकायत कर दी कि भैया गुंडा बैंक चलाते हैं, लेकिन आप कितना भी शिकायत कर दीजिएगा दूध को दारू तो नहीं ना बोल दीजिएगा। देखिए गुंडा बैंक के तहत ही, मतलब एक गुंडा बैंक से ही छवि को खराब करने की कोशिश की गई कि मैं गुंडा बैंक चलाता हूं और इस तरह की बातें पहले आई अखबार में, फिर उसके बाद हाईकोर्ट से नोटिस आया, फिर यहां जांच हुई और जांच में किसी एक पदाधिकारी ने अपने स्तर से ये बता भी दिया कि भैया जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया, तो उस पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट भी 4 दिन तक न केवल हमारे घर परिवार बल्कि हमसे मिलने वाले जितने लोग हैं, 20-25-30 जगहों पर हमसे मिलने वाले लोगों तक के घर पे जो है जा के छानबीन कर ली। और मैं तो अखबार के माध्यम में देख रहा था कि सूत्र बता रहे हैं कि अरबों का, करोड़ों का, पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हैं, मगर वास्तविकता ये है कि जो भी अखबार या बाकी जगहों पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो एक उनके उनको जो सुनी सुनाई बात वो बाहर से सुन रहे हैं शायद वो है। वास्तविकता यही है कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा इलीगल चीज़ या कोई ऐसे इलीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग के नज़र में जितना था व्यापार से रिलेटेड ही जो भी चीज़ें मिली हैं वो हमारे व्यापार से रिलेटेड ही है और उसमें हम लोगों ने उनको पूरा कॉपरेट किया है। हम लोगों ने हमारे व्यापार से रिलेटेड जो भी पेपर मिले हैं वो सब उनके समक्ष प्रस्तुत किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है और उन लोगों को भी ये विश्वास हो गया कि जो प्रस्तुत हमारे द्वारा हमारे व्यापार के तमाम कागजात मिले उसका जवाब हमारे पास पूरी तरीके से है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या लगता है कि राजनीतिक इतना जो परेशानी हुई, क्या कोई राजनीतिक दबाव रहता है, कोई साजिश? जो 25 जगह भी छापेमारी हुई इनसे ही जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और कल उन्होंने ये भी बताया कि 200 से 250 किलो चांदी मिला, इसका जवाब मांगा गया 5 से 6 दिन के अंदर। नहीं वो तो बेशक है, आप समझिए हमारे 5-5 ज्वेलरी के शोरूम है और ज्वेलरी का शोरूम है तो अब 5 शोरूम में अगर आप चांदी का 200 किलो मिलना 5 शोरूम में कोई बड़ी बात नहीं है। एक शोरूम में अगर आपका हम चाहे 3 ही आइटम पायल बिछिया और एक कोई भी चांदी का अगर आइटम भी अगर हम लेंगे तो एक शोरूम में 30-40-50 किलो का हो जाएगा, तो 5 शोरूम में तो 200-250 किलो का, तो परचेजिंग उसका पूरा बकायदा जो मिला उसका बिल उनको दे दिया गया, जो भी चीज़ें आई है उसका बकायदा उनके पास बिल दिया गया, जो चीज़ें त्रुटि उसके अलावा उनको समझ में आ रही है वो हमसे पूछेंगे, हम लोग फिर उसका जवाब देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ मिले हैं, जो भी सामान हमारे यहाँ मिला उसके लिए हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी तो उन्होंने अपने तरफ से प्रक्रिया पूर्ण की, जो जो उनको दिखा वो उन्होंने बताया, अब उससे रिलेटेड हमसे सवाल जवाब जो होंगे उसका पूरा हम लोग उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं पूरे शहर के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज 4 दिन के बाद जब मोबाइल हम लोगों को वापस मिला और सोशल मीडिया देखने का मौका मिला, अपने व्हाट्सएप को देखने का मौका मिला, तो हजारों लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि भैया हम लोग आपके साथ हैं, या लोगों ने, बुजुर्ग ने, अभिभावकों ने, सब ने अपना आशीर्वाद दिया। तो पूरे शहर के लोग साथ में हैं, उनका विश्वास है और हम लोग पूरी तरीके से कल भी उसी तरीके से और आने वाले कल भी उसी तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों के बीच वैसे ही उनके हित के लिए काम करते रहें, उनके साथ काम करते रहें और अभिभावकों का मार्गदर्शन आशीर्वाद हम लोग को उसी तरीके से हमेशा की तरह मिलते रहे, क्योंकि लोगों के साथ और आशीर्वाद से ही हम लोग, ये एजेंसी हो चाहे पहले की एजेंसी हो चाहे बाद की एजेंसी की होगी, तो उन सब से हम लोग आराम से साथ मिलकर निपट सकते हैं। बेशक
परेशानी तो थोड़ी बहुत हो जाती है कि जब केंद्र की कोई एजेंसी आपके यहाँ आती है। परेशानी इस बात की नहीं है कि केंद्र की एजेंसी आकर छानबीन की, परेशानी इस बात की है कि छानबीन के दौरान आपका घर, आपकी चीज़ें अस्त व्यस्त होती है। परेशानी मात्र उतनी ही है, परंतु हम लोगों ने अपने स्तर से पहले दिन जो है थोड़ा सा केंद्र की एजेंसियों के जो रुख थे वो थोड़े से सख्त थे। फिर उसके बाद बाकी के 3 दिन उनके तरफ से भी और हमारे तरफ से भी पूरा कॉपरेशन किया गया। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी साक्ष्य उनके समक्ष गए होंगे, जो आए होंगे, वही वो खुद ब खुद इन चीज़ों को बयां कर देंगे कि हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल दूध की तरह साफ है। और चाहे जितनी भी एजेंसी हो, चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी लोग यहाँ पर आए, और वो सब उन लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को माना कि उनके दिमाग में या उनके उनको एक बड़ा परसेप्शन दिखाया गया था या बताया गया था, जो भी चीज़ है, बट वास्तविकता बिल्कुल उससे परे है। इसमें कोई साजिश है या इसमें किसी का कोई प्रयास है तो हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपके ऐसे प्रयासों से यदि कहीं हमारे व्यापार करने के तरीके में थोड़ी त्रुटि रह गई है तो उसको हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। तो आप अपने अगर कोई ऐसा प्रयास कर भी रहा है तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। हम कहीं किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम तो धन्यवाद देंगे कि यदि आप किसी को, हम लोग को बचपन में हम लोग होमवर्क नहीं बनाते टीचर मारता था, तो इसका मतलब दुश्मन थोड़ी टीचर मेरा। अगर टीचर मारा तो हम तरीका जो है और बेहतर तरीके से अपने आप को निखार पाए, कुछ बेहतर कर पाए। तो डिपार्टमेंट या एजेंसियां जो आती हैं, यदि आप गलत नहीं हैं तो एजेंसियां सिर्फ आके आपके काम करने के तरीके को, व्यापार करने के तरीके को, उसको और कैसे बेहतर किया सकता है। पहले भी 2006 के अराउंड हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स का, 6 या 7 में हमारे यहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ था। तो उस टाइम पर जब कंपनी आई थी, एजेंसियाँ आई थी, तब हमारे यहाँ लाखों की बात हो रही थी। आज एजेंसी आई तो करोड़ की बात हो रही है। हम चाहते हैं कि फिर 5, 7, 10 साल के बाद जो है एजेंसी आए तो अरब की बात हो। तो ये तो अच्छी बात है कि हर बार एजेंसी आती है तो आपको कुछ बेहतर बताकर जाती है, सिखा कर जाती है, तरीका बताती है। तो ऐसे हम लोग 100% पूरी तरीके से काम पक्के का हमारा और तमाम चीज़ें जो है उनको पक्के की मिली हैं। जो थोड़ा बहुत उनको त्रुटि उनके हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से मिला तो उसको और कैसे हम लोग बेहतर करें, वो आगे व्यापार करने के तरीके में हम लोग उसको और लागू करेंगे। नहीं, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है किसी चीज़ में। ना हमारे कल से जीवन के शैली में कोई अंतर आएगा, ना हमारे हमारे सारे प्रतिष्ठान सारे जगहों के कल से बाकायदा बाकी दिनों की तरह खुलेंगे। सभी चीज़ें जो हर दिन जैसे प्रक्रिया थी, दिनचर्या था, वो पूरी दिनचर्या वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कल से वापस क्षेत्र में उसी तरह लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के बीच काम करते रहेंगे। ये क्या हो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये डिपार्टमेंट का काम था, डिपार्टमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन था, डिपार्टमेंट को किसी ने कुछ बताया, कुछ लोगों ने हमारे बारे में यहाँ से गुंडा बैंक की शिकायत कर दी कि भैया गुंडा बैंक चलाते हैं। लेकिन आप कितना भी शिकायत कर दीजिएगा, दूध को दारू तो नहीं ना बोल दीजिएगा। जांच के बाद जो है वो दूध दूध ही रहेगा। इसलिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग पूरी तरीके से, पूरा परिवार हमारा जो है वो एकदम प्रशासन के साथ और तमाम एजेंसियों के साथ पूरी तरीके से खड़ा रहा है। और जब भी उनके तरफ से आगे भी हम लोग पूरी तरीके से उनको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं।